तो दोस्तों आज हमारे खेत में बारिश हो चुकी है जिसकी हमें जरूरत बिल्कुल नहीं थी। ओ अरे यार क्या कर रहे हो ध्रुव भाई, आप मिट्टी खा रहे हो? तू कर निकाल, तू कर कर, तू भागना मत, भागना मत, तू कर, तू कर निकाल, मिट्टी निकाल, मिट्टी निकाल, पहले मिट्टी निकाल। तो ध्रुव भाई ने खा रखी है मिट्टी, देखिए। और दोस्तों आज हमारे खेत में मुझे मार मत, मैं नहीं बोलूंगा निकल, मैं नहीं बोलूंगा निकल, मार जाए क्यों है मुझे, मारो मत, मत मारो। देखिए उसको वो मिट्टी खा। हाँ मम्मी किधर गई, आम गई उस तरफ गई, किधर गई मम्मी, वहां जाना है नहीं जाना है? तो दोस्तों ध्रुव भाई मिट्टी खा रहा था, मैंने उसको मना किया तो मुझे ही मार रहा है। ये तो दीदी को भी मार रहा क्योंकि अभी मूड में है, क्योंकि बारिश के कारण वातावरण एकदम अच्छा हो चुका है और वो जो मिट्टी गीली है तो उसको खाने की खाने में मजा आती है, तो हमसे दूरी भागता रहता है और मिट्टी खाने का उसका मूड है और खेलने लगा अभी हमारे साथ। देखिए वो हमारे साथ खेलने लगा है। देखिए ध्रुव भाई खेल रहा है हमारे साथ, क्योंकि मिट्टी गीली है तो खेलने की मजा आती है। तो हम सब निकल चुके हैं खेत में खेलने के लिए। ये शाम का टाइम है, हमारे खेत में बढ़िया सा व्यूज आ रहा है, देखो कितने अच्छे बादल, देखिए बादल कितने अच्छे इस तरफ से एकदम नीला नीला और बढ़िया व्यूज। ये हमारा बाजरा, वहाँ हमारा गन्ना और ध्रुव भाई इधर मिट्टी खाने के लिए हमसे दूर दूर भाग रहा है, क्योंकि उसको मिट्टी खाने का मौका मिल सके इसलिए हमारे साथ अभी नहीं रह रहा है। देखिए काट दिया वो मिट्टी, मिट्टी निकालने गई है तो दीदी तो उसको काट दिया, ध्रुव भाई ने काट दिया, ननु को भी काटेगा वो मुटे वो ले तो ध्रुव भाई लो लो, मैं उंगली देता हूँ देखो लो। हम रुको तो सही यार, अब भीग जाओगे वहां पे, वो गीला है देखो पानी भरा है उधर, लो मैं देता हूँ, खा ले पापा उंगली उंगली खा, खा। छोड़ 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 दे छोड़ दे, अरे यार देखिए बुरी तरह से काट दिया ध्रुव भाई ने आज तो। ऐसे कोई काटता है यार? देखिए दोस्तों आज का व्यूज हमारे कितने अच्छे बादल, ये हमारा पूरा खेत, कोई नहीं जाता है, तू क्यों जाना है? तुम्हें क्यों रो रहे हो, क्या हुआ बेटा? मुझे पता तो सही, पर चल बाइक लेके जाते हैं हम, चलो चलो उसके पहले पहुंचते, चल चुप हो जा बेटा चुप हो जा। ओ ये तो दीदी चली गई गांव में, तो ननु दीदी को आ गया रोना। पर जा रहा है, इतनी रोती क्यों है? रोना बंद करो, पहले जाते हैं रोना बंद करो, चलो क्यों पण
केम पण देखो बस आंसू की उसको आ गई हंसी उसको, क्योंकि उसको पता चल गया पापा गांव में लेके जाए गांव में। देखो यहाँ पर सूखा है पानी क्योंकि आया था बारिश। ये हमारी सब भैंसे, और आज का व्यूज बार बार लेने का मन हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ऐसा नजारा, ऐसे बादल, गिरती हुई बरसात और ध्रुव भाई का साथ। तो फिलहाल दोस्तों बारिश रुक चुकी है और हमें जाना है हमारे भैंसों के लिए जुवार लेने के लिए। तो चलो हमारा ट्रैक्टर लेकर हम चलते हैं जुवार लेने के लिए, क्योंकि आज बारिश है तो कोई दूसरा नींद तो हम नहीं ले सकते। तो मम्मी ने बोला कि आप जुवार लेके आओ, तो हम लेने जा रहे हैं जुवार हमारा ट्रैक्टर लेके, और मम्मी और ध्रुव की मम्मी और सब लोग गए हो जुवार को ले काटने के लिए, और अब हम जा रहे हैं जुवार लेने के लिए। तो चलो, तो दे पहले तो ये ले लेते हैं जो सुबह हमारे खेत में हमारे लिए टिफिन आया था, वो टिफिन को वहां फेंक देते हैं, क्योंकि बार बार उतना हमारा काम नहीं है, हम तो जल्दी में काम निपटाते। चलो रख दिया, अब करते हैं ट्रैक्टर स्टार्ट। तो दोस्तों अभी बारिश, और हम किसान को बारिश में भी करना पड़ता है काम। तो थोड़ी देर पहले हमारे गांव में, हमारे गुजरात में पड़ी बारिश, और बारिश के आधे घंटे के बाद हमें ये भैंसों के लिए ये सारा लेने के लिए आना पड़ा। कितनी भी बारिश हो लेकिन हम किसानों को हमारा काम करना पड़ता है। तो यहाँ मम्मी आ चुकी थी, मम्मी ने ये काट लिया और हम बनने के लिए आ चुके हैं। क्या करें दोस्तों, किसान की लाइफ लेकिन बढ़िया है, क्योंकि कुछ भी काम करते हैं तो हमारे घर पे, हमारे खेत में ही करते हैं ना। तो देखिए दोस्तों, ये सारों से हमारा ट्रैक्टर अभी भर चुका है, और अब हम जा रहे हैं खेत पर अपने भैंसों के लिए। देखिए हमारे आम के पेड़ है, उसका भी वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि अभी छोटे छोटे आम आ चुके हैं उसमें। तो चलो दोस्तों, चलते हैं खेत पर हमारी भैंसों के लिए सारा लेकर। हमारा यहाँ काम पूरा हो चुका है और जा रहे हैं हमारे भैंसों के लिए सारा लेकर, क्योंकि हमारा तो काम ही होता है
पैसों को सारा डालना, खेत में काम करना, करते हैं शुरू। तुमको घास देने? तुमको कौन है? टमु? ये वाली टमु है, इसका नाम टमु रख दिया। वो ध्रुव भैया भी आ चुका है घास डालने के लिए। तो खा ध्रुव, खिला खिला ध्रुव। ये ध्रुव भाई खिला रहा है ननू को घास। ननु को नहीं, टमु को, उसका नाम टमु रख दिया ध्रुव भाई ने। देखो वहां जा रहा है वापस, और हम आ चुके हैं। और दोस्तों हम निर्णय लेकर आ चुके हैं, तो ये हमने डाल दिया यहाँ। लेकिन ये बंसी भी अपना चारा साने खाने के लिए आ चुके हैं। और ये तो दीदी देखो हमारी भैंसों को दे रही है नींद। जल्दी जल्दी चलो। और ननु दीदी भी अपने काम पर, और हमारा ध्रुव भैया भी काम पे लग चुका है। देखो लेने के लिए जा रहा है नींद। खींचो, जोर लगाओ, लगाओ जोर, लगाओ जोर। ध्रुव भाई जोर लगा। ननु दीदी ने खींच लिया, खींच लिया। और ध्रुव भाई खींच रहा है अभी, लेकिन उससे नहीं खींचेगा। एक दो दे दो, ये तो दीदी भैया को एक दो दे दो, थोड़ा सा दे दो। ऐसा नहीं, पूरा पकड़ो। ध्रुव भाई बैठ गया, वो सो रहा है अभी खेत में। हट जा, वो ले जाएगा। तो ध्रुव भाई लेके जा रहा है अपने भैंस को। पास में नहीं जाएगा, वो गिर जाता है बारी बारी। वो दोनों दीदी कर रहे हैं अपना काम। तो देखो दोस्तों ये ध्रुव भाई किस तरह से खा रहा है। वो उसके लिए वेफर लेके आया था मैं, लेकिन वो ऐसे कोई खाता है? देखो ऐसे हिंद्रु भाई, ऐसे कोई खाता है बेटा? ओ रहने दे, ओ रहने दे, रहने दे। लाओ लाओ, और डालना नहीं, दीदी को दे दो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी भैंसों के लिए जुआ लेकर। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारे किसानों का काम चलता रहता है। और ध्रुव भैया गिर जाएगा ध्रुव, वो पूरा वीडियो ही नहीं बनाने देता और दौड़ता ही रहता है पूरे टाइम, हर वक्त हर टाइम, और बैठ भी गया वहाँ पे। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि हम आ चुके हैं, तो पूरा मिट्टी मिट्टी हो चुके हैं, पूरा भीग चुके हैं हम, क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा था। तो बारिश में हम पूरे भीग चुके हैं। और ननु दीदी यार वीडियो तो बनाने दो यार, ऐसे क्या करती हो? बीच बीच में ऐसे बीच बीच में कुछ बोलने ही नहीं देते। तुम वीडियो बनाते हैं तो माल क्यों? भूखा नहीं रखना है तो डालो, पर वीडियो में कुछ हमें बोलने तो दो। बोलना हम क्या मना कर रहे हैं? देखो ध्रुव भाई को क्या हुआ, गिर गया। तो चलो दोस्तों प्लीज हमारी चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हमारे वीडियो को देखते रहना, ताकि किसान को भी आपकी जरूरत है, आपकी हेल्प की जरूरत है। तो आप सब्सक्राइब करोगे, हमारा वीडियो देखोगे, तब भी तो हम कुछ आपको नया नया दिखा सकते हैं। तो हमारी मेहनत के लिए आप जरूर एक लाइक कर देना, और हमारा वीडियो देखते रहना।
तो दो अलग अलग काम अलग अलग जगहों पे और अलग अलग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं और हमारे व्लॉग में आप बने रहिए। तो अभी हाल हमारा वीडियो यहाँ हम बंद करते हैं और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो कल मिलते हैं सुबह 8 बजे। ओके दोस्तों, थैंक यू।